टू कुकिंग विद बेनजीर। आज हम बहुत ही डिलीशियस और क्रिस्पी चिकन का स्टार्टर बना रहे हैं। इसमें चिकन है, वेजिटेबल्स हैं और ये थोड़ी सी चिकन में बहुत सारे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो एक दिन थोड़ी सी मेहनत करके आप बनाकर इन्हें स्टोर करें, क्योंकि हम आपको इसमें स्टोर करने का भी सही तरीका बताएंगे, जिससे एक महीने तक ये आइटम खराब नहीं होगी फ्रीजर में। तो चलिए शुरू करते हैं, बनाने का तरीका देख लेते हैं। एक कढ़ाई में हमने एक टेबल स्पून भरकर घी गर्म करने के लिए रखा है। यहाँ ऑयल या बटर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक टेबल स्पून भरकर चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे। आधी मिनट के बाद हम इसमें एक मीडियम साइज का प्याज डालेंगे, इसे भी हमने छोटा छोटा चॉप किया। एक मिनट प्याज को भी हमने पकाया मीडियम फ्लेम पर। फिर हम इसमें चिकन डाल रहे हैं बोनलेस, बहुत छोटे छोटे पीसेस किए हैं हमने चिकन के, आपको बताएंगे कितने छोटे छोटे, बस ऐसे किए हैं। साथ में एक टीस्पून नमक डाल देंगे। फ्लेम को हाई रख के 2 से 3 मिनट चलाते हुए चिकन को पकाएंगे। ये चिकन के छोटे छोटे पीसेस हैं जो बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो हमें इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है कि ये कड़क हो जाएं, क्योंकि ओवर कुकिंग हो जाती है ज़्यादा पकाने से। 3 से 4 मिनट तक हमने फ्लेम हाई करके चिकन को पकाया चलाते हुए। गाजर डालेंगे इसमें। एक गाजर हमने यूज़ किया है बड़ी साइज़ का, छोटा छोटा चॉप करके। गाजर को चिकन के साथ आधी से 1 मिनट पकाएंगे, चलाते रहेंगे। वैसे चिकन हमारी 50 से 60% गल गई है, आगे के प्रोसेसेस में पूरी तरह गल जाएगी। हमने 3 से 4 हरी मिर्चियाँ भी ली हैं, छोटा छोटा चॉप किया है। यहाँ अगर आप तेज़ कम खाते हैं तो मिर्चियों को कम कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा तो ज़्यादा कर दें। हमने 3 कलर की शिमला मिर्च ली है, आधा कप भरकर इसे भी डाल देंगे। बस ये सारी चीज़ों को हमने हाई फ्लेम किया है, 2 मिनट चलाते हुए पकाएंगे। चिकन को हमने पकने के लिए रखा है। हम यहाँ पर एक आलू को ग्रेट करके रेडी रखे हैं। एक बड़ी साइज़ का आलू हमने लिया और ग्रेटर की मोटी साइड से इसे इस तरह ग्रेट किया है। ग्रेट करके हमने पानी में डाल दिया, क्योंकि आलू को हम ग्रेट करके पानी में नहीं डालेंगे तो वो काले हो जाते हैं फौरन, तो डायरेक्ट पानी में ही ग्रेट करके इसे रेडी रखें। ये पानी को हम फेंक देंगे, छन्नी में रख देंगे आलू को। फिर हम इसमें आलू डाल देंगे जो हमने पानी में से निकाल कर छन्नी में रख दिया था, बड़ी साइज का एक आलू। फ्लेम हाई है, 1 मिनट आलू को भी साथ में पकाएंगे। हमें इसमें आलू को पूरी तरह नहीं गला लेना है, बस 50% गलाना है। तो पहले 1 मिनट सब्जियों के साथ और चिकन के साथ पकाएंगे। हम इसमें पानी मिला देंगे। हमने इसमें 3 कप पानी मिला दिया है, फ्लेम को हाई रखा है। चिली फ्लेक्स डालेंगे 1 टीस्पून के आसपास, 1/2 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स, ये जगह पर ओरिगैनो इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर नहीं है तो स्किप कर दें। 1 टीस्पून विनेगर, सफ़ेद सिरका, ये नहीं है तो आप लेमन जूस डाल सकते हैं। थोड़ी ताज़ी कुटी हुई काली मिर्चें 1/2 टीस्पून के आसपास, दो से तीन मिनट हाई फ्लेम पर हमने इसमें बॉईल आने दिया है ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से पक जाए। फ्लेम को हम अभी लो करेंगे। सूजी डालेंगे, ये 1 कप भर कर सूजी है, वजन से देखें तो 200 ग्राम हम इसमें 1.5 कप सूजी डालने वाले हैं, तो ये 1 कप हो गई, ये 1/2 कप। लो फ्लेम पे अच्छी तरह से चलाएंगे। काफ़ी सारा हरा धनिया डालेंगे। ये पॉइंट पर नमक को भी हमें टेस्ट करना है, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें डाली है, सूजी डाली है, तो इसमें थोड़ा और नमक लगेगा, तो टेस्ट करके नमक को भी ऐड करें। अच्छी तरह से इसे चलाते हुए पकाएंगे हम, ताकि सूजी का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और साथ में ये एकदम एक आटे के डो की तरह हो जाए, एक बॉल की तरह हो जाए। तो लो फ्लेम पर इसे चलाते हुए कम से कम 5 से 6 मिनट हम पकाएंगे। 5 से 6 मिनट हमने चलाते हुए पकाया है लो फ्लेम करके, बहुत अच्छी तरह ये पक गया है, पैन की साइड्स को भी छोड़ने लगा है। 5 से 6 मिनट कम से कम पकाएं, ताकि सूजी जो है अच्छी तरह फूल जाए और पक जाए। गैस की फ्लेम को बंद करेंगे, इसे सेट करने के लिए रख देंगे। हम आज बहुत ही आसान वाली रेसिपी बता रहे हैं, जिसमें आपको बैठकर घंटों कबाब बनाने की ज़रूरत नहीं है, कटलेट्स को फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पकाने से ज़्यादा वक्त हमें उन्हें बनाने में लग जाता है, जैसे कि राउंड शेप देना है, स्क्वायर शेप देना है,
लेकिन हम आसान वाली रेसिपी लेकर आए हैं जिसमें आपको ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पर एक चॉपिंग बोर्ड लिया है, थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे उस पर, एक स्पैचुला की मदद से फ्लैट करेंगे हम इन्हें। हमें इन्हें हाफ इंच की थिकनेस का बनाना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं। आप ये चॉपिंग बोर्ड पे ना करके किसी भी फ्लैट डिश या कंटेनर में भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है वो यूज़ करें। गरम गरम में ही इस पर डाल देना है हमें, क्योंकि फिर ये ज़्यादा हार्ड हो जाएगा ठंडा होने के बाद। हमने इसे इस तरह से सेट कर दिया है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बस इतना थिक है, आप देख सकते हैं तकरीबन हाफ इंच या उससे भी कम। बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बस ये इतना थिक होना चाहिए। हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे या इसी तरह इधर ठंडा होने दें। आधे घंटे के बाद हम इसे कट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी साइड्स जो है, जो इवन नहीं है, उसे कट करके निकाल लेंगे अलग। हमने इस तरह इसके लंबे लंबे स्लाइसेस कर लिए हैं। आप जैसे चाहें वैसे पीस बनाएं, ट्रायंगल बनाएं, स्क्वायर बनाएं, जैसे आप पसंद करते हैं। तो देखा आपने कैसे हमने टाइम को हमारे बचा लिया, बिल्कुल कम समय में हम इतने सारे स्टार्टर्स बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो आपको भी ये रेसिपी आसान लगी होगी, क्योंकि इसमें काफ़ी देर तक बैठ के हमें फॉर्म नहीं करना है कटलेट्स को, टिक्की को, बस इस तरह ईजिली हो जाता है। इतने मिक्सचर में हमने तकरीबन 60 स्टिक्स बनाकर तैयार किए हैं, 60। एक अंडे को हमने थोड़ा नमक डालकर बीट किया है। पहले अंडे में इन्हें डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। ये पैंको ब्रेड क्रम्स हैं जो हमने घर पर बनाया है, इसका वीडियो भी हमने अपलोड किया है। इससे बहुत ही क्रिस्पी और फ्लेकी बनते हैं हमारी कोई भी फ्राई आइटम्स। तो ज़रूर से इन्हें घर पर बनाकर तैयार करें, स्टोर करके रखें, 6 महीनों तक भी ये ख़राब नहीं होते। इसी तरह आप इन्हें स्टोर करें, हम आपको आज सही तरीका बताएंगे इन्हें स्टोर करने का। हम इन्हें इसी तरह 3 से 4 घंटों के लिए पहले फ्रीज़र में रखेंगे। 3 घंटों के लिए हमने इन्हें फ्रीज़ कर दिया है, तो ये इस तरह से थोड़े हार्ड हो गए हैं। बस यही सही पॉइंट है, यहाँ हम इन्हें स्टोर करेंगे, कम से कम 1 महीना ये ख़राब नहीं होंगे। किस तरह स्टोर करना है हम आपको बताएंगे। तो हमने एक पैकेट में 12 स्टिक्स डाल दिए हैं। आपको लगे जितने आप एक समय पर खाना चाहते हैं, एक वक्त में चाहते हैं, उतने आप एक बैग में भर कर रखें। आप इसकी जगह पर एयरटाइट कंटेनर्स भी यूज़ कर सकते हैं, हमें ये बेटर लगता है, ये कम जगह लेता है फ्रीज़र में और हम काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं इस तरह। तो एक बार में ये 12 स्टिक्स हमने कर दी। इन्हें फ्राई करने के लिए हमें ज़रूरत नहीं है इन्हें डीप फ्रॉस्ट करने की, बस गरम तेल में डाल दिया, लेकिन एक वक्त पर 3 से 4 डालें, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये ठंडे हो गए, ऑयल का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो बराबर से फ्राई नहीं होंगे। इसीलिए पहले 3 से 4 डालें, फ्राई कर लें, फिर दूसरे 3 से 4 डालें। इसमें सारी चीज़ें पकी हुई हैं तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर इन्हें गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे। तैयार कर लिए हमने क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स और आपको इसे स्टोर करने का तरीका भी बता दिया। तो चलिए अगली रेसिपी पर पढ़ते हैं। आज हम बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी बना रहे हैं, चिकन चाइनीज क्रीमी रोल्स। तो सुनने में ही लग रहा है ना कुछ डिफरेंट, बहुत ही आसान तरीके से हमने इस रेसिपी को बनाया है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले चिकन को बॉईल किया, 500 ग्राम चिकन लिया हमने, आधा किलो बोनलेस चिकन लेकर इसमें थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून के आसपास, थोड़ा नमक डालकर बॉईल कर लिया है। और बॉईल करके इसका जो पानी है, जो स्टॉक जिसे हम कहते हैं, उसे हमने संभाल कर रख लिया है। ये स्टॉक 1.5 कप है, मान के चलिए 400 ml के आसपास
का स्टॉक है ये, तो आप जब चिकन को बॉईल करें तो उसमें तकरीबन 700-800 ml पानी डालें और बॉईल करें, और बाद में 1.5 कप के आसपास स्टॉक को संभाल कर रख लें। चिकन को हमने इस तरह से श्रेड भी कर लिया है। एक वोक में हमने 1 tablespoon ऑयल को गर्म किया, जिसमें हम 1 tablespoon चॉप किया हुआ लहसुन मिलाएंगे। आधी मिनट के बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। ये हरी प्याज का सफ़ेद हिस्सा जो है वो हमने यूज़ किया, 4 से 5 tablespoon प्याज होगी, छोटा छोटा सा चॉप कर लिया हमने। आप चाहें तो इनकी स्लाइसेस भी बना लें। 3 से 4 हरी मिर्चें छोटा छोटा कट किया हमने। आधी मिनट पकाएंगे चलाते हुए। फिर हम इसमें 2 medium size के गाजर डाल देंगे, जिन्हें हमने ग्रेट कर लिया। फ्लेम को हमने हाई किया है, आधी से 1 मिनट चलाते हुए गाजर को पका लेंगे। 1 मिनट के बाद हम इसमें 3 रंगों की शिमला मिर्च डाल देंगे, तकरीबन 1 कप। आप सिर्फ ग्रीन वाली भी यूज कर सकते हैं अगर अवेलेबल नहीं है। साथ में 1 कप हम कैबेज भी डालेंगे। इसमें छोटा छोटा सा चॉप कर लिया हमने कैबेज को। थोड़ा नमक भी डालेंगे, 2 pinch के आसपास। नमक हमने कम रखा है, हम आपको बताएंगे आगे क्यों। सारी सब्जियों को मिलाकर हमने हाई फ्लेम पर 1 मिनट पकाया। सॉसेस मिलाएंगे। ये सोया सॉस है, हम 1 tablespoon डाल रहे हैं, क्योंकि हमारा लाइट सोया सॉस है। अगर आप डार्क वाला यूज कर रहे हैं तो थोड़ा कम डालें, वरना कलर काला हो जाएगा। 1 tablespoon विनेगर, सफ़ेद सिरका, काली मिर्च का पाउडर हम तकरीबन 1 teaspoon ऐड करेंगे। नमक हमने थोड़ा ही डाला, क्योंकि सोया सॉस में नमक है तो बाद में टेस्ट करके ऐड किया जा सकता है, इसीलिए हमने बस 1 से 2 pinch नमक डाला था। फ्लेम को हाई रख के बस 1 मिनट चलाते हुए पकाएंगे, फिर फ्लेम को बंद कर देंगे। बहुत ज्यादा सब्जियों को नहीं गला देंगे, बस 1 ही मिनट पकाएंगे और बंद करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। हमने सब्जियों को निकाल दिया। उसी कढ़ाई में हम तकरीबन 3 tablespoon मक्खन ले लेंगे। मक्खन जब मेल्ट होने लगेगा हम इसमें 5 tablespoon भरकर मैदा मिलाएंगे। लो फ्लेम पर मैदे को हमें भूनना है, 2 से 3 मिनट चलाते रहना है। 2 से 3 मिनट बाद हम इसमें दूध डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और एक विस्क की मदद से इस तरह विस्क करेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। हमने इसमें टोटल 1.5 cup दूध डाल दिया है, तकरीबन 350 से 400 ml के आसपास। साथ में हम इसमें स्टॉक भी डालेंगे, जो सूप हमने बताया था आपको स्टार्ट में, वो भी मिलाना है। ये भी उतना ही होगा, 1.5 cup है तो 350 से 400 ml के आसपास। सारी चीजों को डालने के बाद हमने फ्लेम को हाई किया है। हाई फ्लेम पर इसे चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स नहीं बने और ये अच्छा सा गाढ़ा हो जाए हमारा सॉस। जब इसमें थोड़ा थोड़ा बॉईल आया, हमने फ्लेम को थोड़ा हाई किया है। सॉस को अच्छा सा गाढ़ा होने तक पकाना है हमें। तो ये मेजरमेंट्स आपको बराबर फॉलो करने हैं। 1.5 cup स्टॉक, 1.5 cup दूध, 5 tablespoon मैदा और 500 g चिकन। टोटल टाइम हमने 4 से 5 मिनट तक पकाया, फ्लेम को मीडियम करके सॉस को, तो बहुत अच्छा सॉस गाढ़ा हो गया है। बस वैसा ही जैसा हमें चाहिए, ऐसा ही गाढ़ा सॉस हमें चाहिए था। हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। यहाँ हमने चिली फ्लेक्स, मिर्चें, काली मिर्च का पाउडर रेसिपी में डाला है, तो वो टोटली आप पर डिपेंड है। आपके घर में जैसा तेज खाते हैं आप वो हिसाब से डालें, चाहे तो कम चाहे तो ज्यादा। हमने नमक सॉस में नहीं डाला है, क्योंकि जो चिकन स्टॉक हमने इसमें डाला उसमें नमक है, तो हम डबल से नहीं डालेंगे, बाद में टेस्ट करके डाला जा सकता है। बस ये रेडी हो चुका है। फ्लेम को बंद करके इसे पूरी तरह ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। सब्जियों को जो हमने फ्राई किया था वो एक बोल में निकाल लिया है, ठंडी हो गई है, सॉस भी ठंडा हो गया है, और ठंडा होने के बाद अच्छा सा गाढ़ा हो गया है जैसे हमने आपसे कहा था। इसे भी डाल देंगे। जो चिकन बॉईल करके श्रेड की है इसे भी डालना है। काफी सारे हरी प्याज के पत्ते डालेंगे, 1 cup के आसपास, छोटा छोटा सा हमने कट कर लिया। इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स करके सॉल्ट को टेस्ट करना है। ये पॉइंट पे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। ये मिक्सचर हमारा थोड़ा सॉफ्ट है, हमें इसे फ्रिज में रख देना है आधे घंटे के लिए, ताकि इसे हैंडल करने में आसानी हो। हमने मिक्सचर को 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। ये स्टिफ हो गया है, सेट हो गया है। अगर आपको लगता है अभी भी ये नरम है, आप इसमें 1/2 से 1 cup के आसपास ब्रेड क्रम्स भी मिला सकते हैं। थोड़ा से ऑयल से हमने हाथों को ग्रीस किया है। इस तरह से हम इनको रोल की शेप में बना लेंगे। हमने 1 अंडे में थोड़ा नमक डालकर बीट किया है। हम अभी सारे रोल्स नहीं बनाएंगे, इसलिए हमने 1 अंडा यूज किया है। हम फ्रीज करने वाले हैं, स्टोर करने वाले हैं। सही तरीका आपको इन्हें फ्रीज और स्टोर का भी बताएंगे। फिर हम इन्हें ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। ये पैनको ब्रेड क्रम्स हैं जो हमने घर पर बनाए हैं। बड़ी आसानी से ये बन जाते हैं। इससे हमारी कोई भी फ्राई आइटम बहुत ही क्रिस्पी और फ्लेकी बनकर तैयार होती है। तो जरूर से ये वाले ब्रेड क्रम्स बनाकर स्टोर करके रखें। ये फ्राई करने के लिए और फ्रीज करने के लिए, दोनों के लिए रेडी है। हमने इतने मिक्सचर में तकरीबन 40 रोल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप इन्हें चाहे तो फ्रीज कर सकते हैं जैसे ये हैं, बस इसी तरह हमें इन्हें फ्रीज कर देना है, सबसे पहले 3 से 4 घंटों के लिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे किस तरह आगे इन्हें फ्रीज करें एयरटाइट कंटेनर में। 1 से 1.5 महीने तक भी ये खराब नहीं होते, तो इसी तरह पहले इन्हें फ्रीज कर दें 3 से 4 घंटों के लिए। सारी चीजें हमारे रोल्स में पकी हुई है, तो इन्हें हम
मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे। आपको हमारी रेसिपीज पसंद आई होगी, तो जरूर से हमारी रेसिपीज को ट्राई कीजिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना खास ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और जबरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।